राहुल गांधी जिंदाबाद और सोनिया गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल जी गांधी साहब ये नाम बोल देंगे, सबके नाम बोल देना, पधार गए हैं, बस शीघ्र मंच पर पधार रहे हैं। मैं हमारे जितने वीआईपी मेहमान जो मंच के भाई और विराजमान हैं, जिन्हें यहां लाइनअप के लिए आमंत्रित किया गया है, आप सबसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि इनका कार्यक्रम कुछ लेट हो जाने के कारण राहुल जी गांधी साहब आपको यहीं पर वीआईपी ट्रेड में आप यहां में बिराज रहे हैं, वे यहीं से आपका अभिवादन करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा जो विलंब हो गया, 4 बजे होना था, 1 घंटा विलंब होने के कारण वे लाइनअप में सभी से मिलना था पर मिल नहीं पाएंगे, इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में पधार गए, एक बार जोरदार तालियों से जगदीश जी भंडारी साहब, एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन कीजिए। हमारे नेता अशोक जी गहलोत साहब, माननीय सचिन जी पायलट साहब हमारे बीच ऊपर मंच पे पधार रहे हैं, शीघ्र ही पधार रहे हैं हमारे नेता। मैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे पधार के संबोधित करें। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सचिन पायलट जी, यहां हमारे उपस्थित जिला अध्यक्ष झाला साहब, दीन खुर्निया जी, तमाम उपस्थित हमारे अन्य नेतागण, उपस्थित हमारे यहां के लोकप्रिय उम्मीदवार रवि मीणा जी, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। आप सब जानते हैं राहुल गांधी जी ने रघुवीर मीणा जी को आपके यहां से सोच समझ करके कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। आप सबसे अपील करना आए हैं, आप कोई कमी नहीं रखें, इनको भारी बहुमत से कामयाब करें। ये राहुल जी ने इनको कांग्रेस कार्य समिति, जो कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, उसका सदस्य नियुक्त किया है। तो आप समझ सकते हो कि रघु मीणा सीडब्ल्यूसी जो कांग्रेस की हाईएस्ट बॉडी है, उसका सदस्य नियुक्त करना, राहुल जी ने इनको आशीर्वाद दिया है, इनको एक स्थान दिया है। अब आपकी जिम्मेवारी है इनको भारी मतों से कामयाब करके इनको काम जीता है इनको, जिसे आने वाले वक्त में ये आपके बीच में आते रहते हैं, पहले की तरह आपके सुख दुख में काम आएंगे और आपके विकास में भागीदार बनेंगे। पहले आपने इनको एमपी बनाया, 4-5 बार ये एमएलए बने हैं, ऐसा व्यक्ति भी धनी अगर जीत के जाता है तो आपको लगेगा कि आपके काम में कोई कमी नहीं रहेगी, तेज गति से विकास होगा, आदिवासी क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको हल करने में पहले भी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी, अब भी सरकार बनेगी कांग्रेस की, आप निश्चिंत रहो, आपका मान सम्मान और आगे बढ़ेगा, तेज गति से विकास होगा। पहले भी आदिवासियों के नाम से विश्वविद्यालय बनाया है तो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, आपको मालूम है। अकाल सूखे के वक्त में भी हमेशा ध्यान रखा, तो उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर का ध्यान रखा आदिवासियों का। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने नरेगा पास कर दिया तो आपके यहां 2 लाख मजदूर काम में लगे हैं, इस प्रकार का माहौल बना है। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूंगा,
मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, अपील करने आए हैं। इस बार उदयपुर की तमाम सीटें डूंगरपुर बांसवाड़ा की एक रिकॉर्ड बनाए मेवाड़ के लोग, सरकार आने वाली है, मेवाड़ की बड़ी भागीदारी हो, ये सोच करके आप लोग कमी नहीं रखें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। हमारे राहुल जी गांधी साहब का स्वागत करेंगे माननीय हमारे प्रत्याशी सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह जी मीणा साहब साफा पहना करके, साथ में छगनलाल जी जैन साहब जिला अध्यक्ष जी, और निवेदन करूंगा कि आप मोमेंटो आपको मोमेंटो से आपका स्वागत करें। माननीय मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सचिन जी पायलट साहब को, एक बार जोरदार तालियों से सचिन पायलट साहब का स्वागत कीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे एआईसीसी के प्रभारी प्रदेश के सम्माननीय अविनाश पांडे साहब, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, तरुण जी, हमारे प्रत्याशी रघु मीणा साहब, और उदयपुर के हमारे बाकी प्रत्याशी मनचासी नेतागण, माताओं बहनों नौजवान साथियों आदरणीय बुजुर्गों, हमें आने में देर हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सब राहुल गांधी जी को सुनने के लिए यहां पर आए हो, लेकिन मैं जानता हूं उदयपुर और मेवाड़ की धरती ने हमेशा कांग्रेस को ताकत दी है। और साथियों, आज मैं आपसे करबद्ध निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र को जो नजरअंदाज किया गया है उसका जवाब और उसका बदला आपको सूद समेत लेना है। 7 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर न सिर्फ रघु जी को लेकिन कांग्रेस के तमाम साथियों को जिताइए, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा विश्वास वसुंधरा जी पर किया, बीजेपी पर किया, 5 साल तक सरकार केंद्र में रही, राजस्थान में रही। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, क्या नहीं जनता ने आपको दिया, पूरी ताकत दी, विधायक सांसद मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब कुछ बीजेपी के हो गए, लेकिन 5 साल में उदयपुर को, उदयपुर संभाग को, मेवाड़ के लोगों को क्या मिला? ये क्षेत्र है उदयपुर के पास 15 किलोमीटर दूर, हमारे आदिवासी भाई बहनों के बच्चों की कुपोषण से मौत हो गई, उनको संभालने वाला कोई नहीं रहा। इस क्षेत्र के लोग मेहनती हैं, भले हैं, भोले हैं, बात में विश्वास रखते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी उदयपुर आए हैं आप सब लोगों से, सलूमपुर के आसपास के लोगों से संवाद करने के लिए। इस क्षेत्र का विकास चाहते हो, इस प्रदेश में टकराव अगर नहीं चाहते, भाजपा ने जानबूझकर अलग अलग समाजों को आपस में टकराने का काम किया है, आज वो समय आ गया। पूरे राजस्थान में बदलाव की हवा चल रही है, 36 कौम के लोग सारे साथ मिलकर कांग्रेस की शानदार सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। उदयपुर के लोगों, नौजवान दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग अपने मत का सदुपयोग करें, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दें, कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो उदयपुर मेवाड़ का अपने आप विकास होगा। और ये लोग सब जानते हैं कि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए मेवाड़ की जनता का आशीर्वाद चाहिए, तो दोनों हाथ ले कर राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें ताकि उदयपुर से भारी बहुमत लेकर सभी प्रत्याशी जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। सा महाराणा प्रताप की स्त्री और हमारे आड़ी रानी की शौर्य की भूमि पर इस मेवाड़ धरा पर आमंत्रित करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से राहुल गांधी जी का स्वागत कीजिए। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, रघुवीर मीणा जी, सचिन पायलट जी, लाल सिंह झाला जी, भानु प्रताप जी, दिनेश जी, कांग्रेस के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, और जो वहां छत पे लोग खड़े हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। और जो वहां पीछे लोग खड़े हैं आपका भी यहां स्वागत छत पे। राजस्थान का चुनाव हो रहा है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं और बदलाव का समय है। अब 5 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार में हैं, प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ यहां वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर हैं। और आपको याद होगा कि हर भाषण में प्रधानमंत्री जी 3-4 वायदे करते थे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वायदा, किसानों की कर्जा माफी करने का वायदा, किसानों को सही दाम देने वाला वायदा, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालकर लोगों को खुश करने वाला वायदा, याद है आपको ये वायदे? याद है माताएं बहनों, आपको याद है ये वायदे? याद है कि प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, किसान को सही दाम दिलवाएंगे, कर्जा माफ करेंगे। मगर अब जो प्रधानमंत्री आते हैं, अपने भाषणों में ना रोजगार की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं। 15 लाख के बारे में बीजेपी के प्रेसिडेंट ने बोला भाई वो तो झुमला था, और ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपको लगा होगा कि 5 साल में ये बदलाव कैसे आया, कि पहले व्यक्ति आते थे कहते थे मुझे चौकीदार बनाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, और अब जब आते हैं भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। अजीब सी बात है, क्योंकि देश ने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया था, देश ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी अपने वायदे पूरे करेंगे। और आजकल जब नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं, जनता उनकी ओर देखती है, जनता के दिल में ये 3-4 सवाल उठते हैं, युवाओं के दिल में सवाल उठता है भाई आपने कहा था रोजगार देंगे, आप रोजगार की बात करते हैं, पहली बार इतिहास में राजस्थान में 4 युवाओं ने मिलकर आत्महत्या की, क्योंकि क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। राजस्थान की सच्चाई आपके सामने, प्रधानमंत्री के सामने, मगर कुछ नहीं कहते। किसान देखता है, पूरे देश का किसान देखता है। अखबारों में देखिए, राजस्थान में किसान ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में किसानों पर गोली चली, हरियाणा में आत्महत्या की, उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की, और किसान देखता है किसान आत्महत्या कर रहा है, मंडी में जाता है हर किसान को पता लगता है कि भैया हिंदुस्तान में किसान को अनाज के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम नहीं मिल सकता। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, 5 साल का बच्चा बैठा है इसको भी मालूम है कि जब हिंदुस्तान का किसान मंडी में जाता है उसको सही दाम हिंदुस्तान में नहीं मिलता, एमएसपी नहीं बढ़ाई जाती, इसके लिए कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। और भाषण में युवाओं से प्रधानमंत्री कहता है देखो भैया पकौड़े बनाओ, पकौड़े बनाओ, टेलीफोन बनेगा चाइना में, घड़ी बनेगी चाइना में, हवाई जहाज बनेगा चाइना में, पकौड़े बनेंगे हिंदुस्तान में। सच्चाई है नरेंद्र मोदी जी की। तो मैंने आज सुबह एक सवाल पूछा, मेरा सवाल यह था कि नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में शुरुआत में भारत माता की जय कहते हैं, अब ये भारत माता है क्या? भारत माता हिंदुस्तान के किसान,
उनके हाथों में जो शक्ति है, उनके पीठ पे जो पसीना है, उनकी जो आशाएं हैं, ये भारत माता है। भारत माता इन माताओं बहनों, ये जो हर रोज उठकर काम करती है, ये भारत माता है। हिंदुस्तान का युवा जो अपने देश से कुछ नहीं मांगता, कोई तोहफा नहीं, कोई फ्री गिफ्ट नहीं, सिर्फ रोजगार मांगता है, वो भारत माता है। मजदूर जो इन इमारतों को बनाता है, सड़क बनाता है, हाईवे बनाता है, हाथ जिसके फटते हैं, वो भारत माता है। तो ये सब के सब लोग, ये सब के सब विचार भारत माता है। और मैंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, आप भारत माता की जय करते हो मगर काम फिर सिर्फ अनिल अंबानी का करते हो, आप भारत माता का काम क्यों नहीं करते हो, आप हिंदुस्तान के किसानों का काम क्यों नहीं करते हो? आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया है मगर हिंदुस्तान और राजस्थान और उदयपुर के किसान का आपने 1 रुपया नहीं माफ किया। क्या ये किसान भारत माता नहीं है? इसने क्या गलती की? इसमें क्या कमी है कि आप अपना एक पल एक समय इसको नहीं दे सकते हो? मैं आपके ऑफिस में आया था, स्वयं नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में गया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने भेजा, कहा देखिए आप जाइए, हमारी तरफ से आप जाइए प्रधानमंत्री को कहिए कि हिंदुस्तान का किसान दबा हुआ है, त्रस्त है, रास्ता नहीं दिख रहा उसे, आप जाइए प्रधानमंत्री को कहिए और उनसे कहिए कि उन्होंने 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ माफ किया, हमारा भी करें। मैं गया, उदयपुर के किसान, राजस्थान के किसान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों ने मुझे भेजा, मैं गया और मैंने प्रधानमंत्री साहब बोला, देखिए आपने 3.5 लाख करोड़ रुपया 15 लोगों का माफ किया है, अरबपति हैं, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, इलाज की जरूरत होता है अमेरिका जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजते हैं, आपने उनका 3.5 लाख करोड़ माफ किया, 12 लाख करोड़ रुपया बचा है उनका भी आप करने जा रहे हो, मैं जानता हूं, मगर भारत माता की एक और आवाज है, किसानों की आवाज, उसको भी आप सुनिए। मैं नहीं जानता आपने ये क्यों किया, ये आपके बीच में, आपके मित्रों के बीच में, मगर मैं एक बात जानता हूं, हिंदुस्तान का हर किसान, राजस्थान का हर किसान चिल्ला रहा है और कह रहा है हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठते हैं, मैंने उनसे कहा मोदी जी आपको फायदा होगा, मैं विपक्ष का नेता हूं, आपको फायदा होगा, मैं आपकी मदद करने आया हूं, हिंदुस्तान के खेतों में आवाज है, दर्द है, उसको सुनिए, कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी का जवाब देखो, मैंने उनसे कहा कर्जा माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया क्या था, ये किसानों की आवाज लेकर मेरे ऑफिस में कैसे आया, ये कैसे आया मेरे ऑफिस में किसानों की आवाज लेकर? तो मैं प्रधानमंत्री को राजस्थान से जवाब देना चाहता हूं और राजस्थान के किसान की आवाज सुनाना चाहता हूं, राजस्थान के किसान का दर्द सुनाना चाहता हूं। आप सुनिए राजस्थान के किसानों, उदयपुर के किसानों, कांग्रेस पार्टी यहां सरकार आएगी, चुनाव आप जिता रहे हो हम जानते हैं, आप चुनाव के बाद 10 दिन गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन के अंदर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर किसान का कर्जा माफ कर देगा राजस्थान में, क्योंकि हम भारत माता की आवाज सुनते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को भी अगर भारत माता की जय कहना है तो किसान की, मजदूर की, माताओं बहनों की आवाज सुननी ही पड़ेगी, यह सच्चाई है। युवाओं को कहते हैं रोजगार दिया,
दो करोड़ युवाओं से कहा भैया मैंने तुम्हें रोजगार दिया, तो अगर आपने रोजगार दिया तो राजस्थान का हर युवा चिल्ला क्यों रहा है? राजस्थान के चार युवाओं ने आत्महत्या क्यों की? मजे में की क्या? दिल खुश करने के लिए की क्या? नहीं, राजस्थान के चार युवाओं ने राजस्थान के हर एक युवा के लिए, हर एक युवा के भविष्य के लिए की। राजस्थान के चार युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज देने के लिए आत्महत्या की, वसुंधरा जी को मैसेज देने के लिए आत्महत्या की, और उस आवाज को नरेंद्र मोदी जी को और वसुंधरा राजे जी को सुननी चाहिए। यह है भारत माता की आवाज। मगर नहीं, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, करो जितनी आत्महत्या करनी है, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपीए की सरकार, आपके जल, आपकी जमीन, आपके जंगल की रक्षा के लिए आदिवासी बिल लाई थी। आपको याद होगा, साफ लिखा है आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दी जाएगी और जल, जंगल और जमीन का फायदा उन्हें मिलेगा। पूरे देश में कानून बना हुआ है, राजस्थान में आपकी चीफ मिनिस्टर लागू नहीं करती हैं। भट्टा परसों में लड़ाई हुई, किसान मारे गए, जमीन की लड़ाई, जमीन अधिकरण बिल हम लाए, बड़ा विरोध हुआ, सारे उद्योगपतियों ने विरोध किया, अखबारों ने लिखा, मगर नई कांग्रेस पीछे, कांग्रेस पार्टी एक इंच पीछे नहीं हटी। हम बिल लाए, बिल में साफ लिखा था किसान से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती है, और अगर किसान ने जमीन दी, उद्योग बनाने के लिए दी, तो उसे मार्केट रेट से चार गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर उद्योगपति ने पांच साल के अंदर किसान की जमीन पर उद्योग नहीं बनाया तो वही जमीन किसान को वापस दी जाएगी। कानून में साफ लिखा है। नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को दिल्ली में रद्द करने की कोशिश की तीन बार। हम पीछे नहीं हटे, फोन लगाया वसुंधरा जी को, जमीनी के अधिकरण बिल को हम दिल्ली में नहीं खत्म कर पा रहे हैं, राजस्थान में इसकी हत्या करो, इसको खत्म करो। और आज राजस्थान में बिना पूछे आदिवासी से, किसान से जमीन छीन ली जाती है। हमारी सरकार आएगी, आदिवासी बिल, जमीनी अधिकरण बिल, पैसा कानून राजस्थान में लागू होंगे, आपकी जमीन की रक्षा होगी, आपके हक है, आपका हक है, आपके भविष्य की रक्षा होगी। थोड़ी सी मैं भ्रष्टाचार की बात करना चाहता हूं। पहली बात, ललित मोदी का नाम आपने सुना है, सुना है, सुना है ना? क्या देखो भैया, अजीब सी बात है, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी 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 हैं। ललित मोदी ने 10 करोड़ रुपए वसुंधरा जी के बेटे के बैंक अकाउंट में डाला। नीरव मोदी भाई और बहनों 35,000 करोड़ रुपए आपका ले गया। जितना पैसा एक साल मनरेगा में लगता है उतना पैसा नीरव मोदी ले गया। और नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट तोहफा अनिल अंबानी की जेब में डाला। भाइयों बहनों, यूपीए की सरकार थी, राजस्थान के युवा एयरफोर्स में, सेना में, नेवी में काम करते हैं। एयरफोर्स के जनरल मनमोहन सिंह जी के पास आए, कहते हैं देखो लड़ाकू विमान की जरूरत है, 126 विमान खरीदने हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा, कौन सा, जो भी आपको विमान चाहिए खरीदो,
कितना भी महंगा हो खरीदो, कितने भी विमान चाहिए खरीदो। एयरफोर्स के लोगों ने फ्रांस का राफेल हवाई जहाज चुना, प्रधानमंत्री जी के पास आए, कहते हैं 126 हवाई जहाज चाहिए, 526 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा जा सकता है। मनमोहन सिंह जी ने कहा जाओ खरीदो, एक शर्त है, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में बनेगा और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी। एयरफोर्स के लोगों ने सलूट मारा, कहा बिल्कुल सही बोला आपने, हम काम करके दिखाएंगे। अब मजे की बात सुनो, और जो लोग छत पर बैठे हैं आप अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके साथ फ्रांस अनिल अंबानी जाता है। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा उस पर, आपका पैसा जो आपने नोटबंदी में बैंक में डाला था, जो आपने महिलाओं ने नोटबंदी में बैंक में डाला था, वो अनिल अंबानी के जेब में कर्जा लिया उसने। हवाई जहाज कभी नहीं बनाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया था, उसने हमें साफ बता दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सरकारी कंपनी को नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को मिलेगा, 526 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान नहीं खरीदेगी, खरीदेगी 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा और हिंदुस्तान में नहीं बनाने की जरूरत, फ्रांस में बनेगा। अब यहां जो युवा बैठे हैं आप इंटरनेट पे जाइए, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम होलैंड है, उनका बयान सुन लीजिए, दुनिया के प्रेस को उन्होंने ये बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान से कहा था कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूं वो चोर है। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको माता? अब नया नारा चला है, सुनो, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब देखिए मेरे भाषण के बाद 2 घंटे बाद नरेंद्र मोदी मेरे भाषण पर टिप्पणी करते हैं, 2 घंटे लगते हैं। आज उन्होंने कहा राहुल गांधी ने भारत माता की जय के बारे में बोला और मैंने आपको समझाया, मगर मैं 6 महीने से हर भाषण में राफेल के बारे में बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके दिए, मगर इस पर नरेंद्र मोदी ने कभी टिप्पणी नहीं की, कभी टिप्पणी नहीं की। 1 घंटा में उनके सामने बोला लोकसभा में, मैंने उनसे कहा मोदी जी आपने अंबानी को क्यों दिया, आपने एचएल से क्यों छीना, आपने 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज क्यों खरीदा, आप सबने देखा हिंदुस्तान की मीडिया पर आया, मैं जब उनसे सवाल पूछ रहा था कभी मोदी जी यूं देखे, कभी इधर देखे, कभी ऊपर देखे, कभी साइड में देखे, कभी नीचे देखे, मगर 1.5 घंटे के भाषण में नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि भाई और बहनों चौकीदार चोर है। और यह पूरा राजस्थान में साबित हो गया है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में साबित हो गया है, और यहां पर कांग्रेस पार्टी की आंधी आने वाली है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं आप खड़े हो जाओ पोलिंग बूथ पे, राजस्थान की जनता की सरकार आ रही है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, आपकी सरकार आ रही है, बब्बर शहर हो जाके खड़े हो जाओ, बीजेपी आरएसएस वालों को समझा दो यहां पे कांग्रेस पार्टी की हवा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, आप पड़े हो, अब हम जनता की सरकार चलाएंगे। बिल्कुल, तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, यहां महिलाएं आई हैं, आप सब दूर दूर से आए, मैं थोड़ा लेट हुआ तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, आपको कष्ट हुआ, आपको यहां थोड़ा ठहरना पड़ा, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त समर्थन किया है, इतना प्यार आपने मुझे दिया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, आप रघुवीर सिंह जी मेरा अभिवादन करें।
भाइयों बहनों, ऑलरेडी राहुल गांधी जी लेट हो गए हैं, इसलिए जल्दी जा रहे हैं। आप सबकी तरफ से मैं आपका प्रतिनिधि होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आपने पधार कर हमारा संबल बढ़ाया, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।